नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो खेत देख रहे हैं आप, इस खेत में धनिया की बुआई की जा रही है और सीडिल से की जा रही है। तो आज हम समझते हैं धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारियाँ कि किस प्रकार से धनिया की खेती की जाए बहुत ही कम पानी में। सिर्फ एक पानी रेल कर और एक पानी इसके बाद लगेगा, दो पानी में धनिया की फसल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो धनिया की फसल की हम संपूर्ण जानकारी समझते हैं आगे वीडियो में। तो हम धनिया की खेती को पूर्ण रूप से सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। तो ये जो खेत देख रहे हैं जिसमें धनिया की खेती की जा रही है, धनिया की बुआई की जा रही है, इसमें हमने दो जुताई करवाई है और दो जुताई करके ऊपर से हमने पानी दिया है। पानी देने का कारण है दोस्तों कि ये देखिए आप खरपतवार देखिए, ये देखिए खरपतवार, ये इसका 80 से 90% जो खरपतवार है वो उग चुका है। अब क्या हो रहा है कि हमने इसको पानी देकर रेल दिया और रेलने के बाद ये देखिए पिछले साल इसमें सरसों थी, तो ये सरसों भारी मात्रा में उगी थी। तो हमने इसको पहले रेल दिया और रेलने के बाद ये सीडिल से बुआई की जा रही है। ये देख लीजिए आप, सीडिल से बुआई की जा रही है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो 90% खरपतवार उगा है, ये खरपतवार सूख जाएगा ऊपर ही। तो यहाँ पर हमें खरपतवार नाशक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो बीज है बहुत गहराई में गिरा है, अच्छे गहराई में हमने इसको डलवाया है ताकि हमें आखिरी में पानी की समस्या भी ना जाए, पानी भी ज़्यादा ना देना पड़े। तो इससे और पौधे भी सारे निकल जाते हैं। ये देखिए नमी खेत की, इस प्रकार की नमी के बाद इसको 8 दिन हुए पानी दिए हुए और 8 दिन के बाद सीडिल से हम बुआई करवा रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि 3 दिन इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसमें ट्रैक्टर, एक बार और ट्रैक्टर चलेगा 3 दिन बाद, और उसके बाद 3 दिन बाद इसमें ट्रैक्टर से क्यारिया बना दी जाएगी। जो क्यारिया बन जाएगी तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो खरपतवार और ऊपर है वो भी उस ट्रैक्टर में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हो गई थी जुताई की और बुआई की बात कि किस तरीके से बुआई की गई है। ये देख लीजिए, करते हैं दोस्तों बीज दर की। तो यहाँ पर चूँकि हम सीडिल से बुआई कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बीज ऊपर रह जाए, कुछ नीचे रह जाए। तो यहाँ पर हमने बीज दर रखा है 8 किलो से 10 किलो के बीच में। यहाँ पर हमने सीडिल वाले को 8 किलो बीज का बोला है, तो संभव है कि 8 किलो फिक्स गिरता नहीं है, ऊपर नीचे जा सकता है। तो 10 किलो अधिकतम है, तो 8 से 10 किलो के बीच में इसमें बीज दर रखी गई है। बात करें दोस्तों खाद प्रबंधन की, तो हमने इसमें बीघा के हिसाब से 1 बोरी SSP की दी है और 15 किलो हमने इसमें DAP दिया है और 10 किलो हमने एडवांस में इसमें यूरिया दिया है, क्योंकि जो धनिया की फसल है इसमें बाद में यूरिया नहीं दे सकते। अगर बाद में यूरिया देते हैं पानी के साथ में तो इसमें जो बांकड़िया रोग है, जिसे लोंगिया रोग कहते हैं, वो भरता है। तो बीघा का 10 किलो इसको हमने यूरिया दिया है। और चूँकि बरसात में हमने इसे जिंक से उपचारित कर लिया था तो अभी जिंक देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 3 चीज़ों के साथ हमने खाद प्रबंधन इस खेत में किया है और ये बुआई चल रही है। आपके सामने देख लीजिए, बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी। बात करें कि हम इसमें कितने पानी देंगे, तो दोस्तों संभव है कि हम इसमें 1 ही पानी देंगे और वो पानी दिया जाएगा इसे 50 दिन की स्थिति में। आज के बाद 50 मतलब 45 से 50 दिन की स्थिति में इसे पानी दिया जाएगा और वही पानी इसका संभवतः आखिरी रहेगा अगर तापमान नहीं बढ़ता है। तो चूंकि ये अगाती है, ज़्यादा पीछे का नहीं है, तो इसको बाद में पानी देने की ज़रूरत नहीं लगेगी। जो अगर हम लेट बुआई करते हैं तो एक पानी जब 90% डोरियाँ बन जाती है उसके बाद दिया जाता है। और अगर हम भी देखेंगे, अगर ऐसी ज़रूरत लगी, तापमान अगर बढ़ा, तो हम एक पानी फिर उसको बाद में देंगे जब 90% इसकी डोरियाँ बन जाएगी। हालांकि 50% डोरियों के बाद दिया जाता है, लेकिन अगर हम 50% डोरियों के बाद अगर पानी देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। पिछले साल हमने दिया था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम गई थी, कुछ फूलमार हुए थे। तो 90% डोरियाँ बन जाए उसके बाद आखिरी पानी दिया जाता है। करें दोस्तों कि हमने इसमें कौन सी वेराइटी की धनिया बोई है, तो दोस्तों ये हमारा परंपरागत धनिया है। इसको यहाँ मालवा में कहा जाता है धनी, जिसको कि अपन अगर हरे धने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं और साबुत धनिया की खेती के लिए भी हम उपयोग में ले सकते हैं। हम ये जो खेती कर रहे हैं तो ये खेती साबुत धनिया की है, चूँकि इसे यहाँ मालवा में धनी कहा जाता है। तो ये धनी है, इसका जो बीज होता है बिल्कुल गोल साइज़ में होता है और जो मार्केट में भाव मिलता है वो गोल साइज़ का भाव सबसे हाई रहता है और हरे धनिया का भाव रहता है। तो अगर आपको धनिया की खेती करना है और धनिया की खेती में अगर आपको भाव लेना है तो जो यहाँ मालवा में कहा जाता है धनी, जिसको कि अपन हरे धनिया के रूप में कटाई कर कर बेचते हैं, ये वो वाला धनिया है जिसे अलग अलग वेराइटियों में दिया जाता है। पैकिंगों में हाइब्रिड धनिया जो होता है, हम कुछ साल पहले हाइब्रिड धनिया लाए थे, उसी धनिया को हम परंपरागत रूप से उपयोग में ले रहे हैं। तो इसमें धनी जो कहा जाता है उसकी हमने बुआई की है आज, क्योंकि मार्केट में इसका भाव अच्छा मिलता है और अगर क्वालिटी बनाना है तो इसकी क्वालिटी बनती है। देसी धनिया क्या होता है कि आखिरी में जाते जाते वो लाल पड़ने लगता है। पिछले साल पूर्ण रूप से पानी नहीं गिरा धनिया के ऊपर, फिर भी वो पकते पकते लाल हो गया और काला पड़ गया, खड़ा खड़ा ही काला पड़ गया, क्योंकि मौसम ख़राब था, पहले पानी पड़ गया था, उसकी वजह से वो पूरा गड़बड़ हो गया था। करें दोस्तों हम इसके उत्पादन की, तो हमने जो अधिकतम उत्पादन लिया है बीघा का 6 से 7 कुंटल धनिया लिया है। तो उत्पादन भी इसका अच्छा है और इस धनिया की जो विशेषता है दोस्तों कि जो ठंड गिरती है उसमें धनिया की फसल बहुत नाजुक है और ठंड में धनिया की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। धनिया की फसल में तुषार लग जाता है, ख़राब हो जाती है। तो ये जो धनी होती है इसकी जो साइज़ होती है, ये साइज़ होती है 4 फीट के समथिंग इसकी साइज़ पहुंचती है। तो उसकी वजह से और ये झाड़ बनाता है, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि इसमें तुषार का असर कम से कम होता है, जलन का असर कम से कम होता है। तो उसकी वजह से हमने इस धनिया का चयन किया है। तुषार कम लगता है, जलता कम है। हालांकि देसी धनिया भी अगर तरीके से किया जाए तो बहुत निकलता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में बहुत सारे किसान क्या 90% किसान जो यहाँ पर धनिया की खेती करते हैं वो देसी धनिया की खेती करते हैं और वो लगभग 5 से 7 कुंटल वो भी निकालते हैं। तो हालांकि यहाँ पर बेनिफिट यही है कि ठंड से ये बच जाता है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल खेत क्लीन हो रहा है। कितना ज़्यादा इसमें खरपतवार उगा था, दूधी थी, सरसों थी और सोयाबीन तो बहुत थी। पूरा खेत हरा हरा हो रहा था, जो कि ये देखिए अब इसमें यहाँ से होगा ये बेनिफिट ये है कि 80% खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। तो हमें खरपतवार की बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे इससे और खेत भी साफ़ सुथरे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा खेती का तरीका अगर अच्छा लगा हो और धनिया की फसल की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।